अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी कीमा और प्याज से बनने वाले छोटे समोसों की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मैं चेक करवाती हूँ आपको, ये चेक करें, देखिए इनकी कितनी पतली लेयर है और उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और उतने मज़ेदार है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा लिया 700 ग्राम और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल के उसे सख्त सी डो बना लेनी है हमने। आटे की तरह इसे गूंद लेना है, थोड़ा सा सख्त, इसमें कोई ऑयल वगैरह हमने नहीं डाला, जस्ट आटे की तरह इसे नमक डाल के गूंद लिया। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कीमा लिया, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 10 मिनट के लिए इसे कवर करके मैंने अपने ही पानी में पकने के लिए रख दिया कि मैंने पानी शामिल नहीं किया। 10 मिनट के बाद ये अपने ही पानी में बहुत अच्छा सा पक गया था। अब यहाँ पे 700 ग्राम प्याज लिए थे मैंने, उन्हें अच्छा सा चॉप करने के बाद उनका भी पानी मैंने निचोड़ दिया था, वो भी कीमे में शामिल नहीं किया। और अब उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अब अगर आपको ग्रीन चिलीज ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद है कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया हरा धनिया और इसे 2 मिनट तक मैंने पकाया। ज़्यादा प्याज को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है। और अब इसे एक साइड पे रखने के बाद जो डो हमने तैयार की थी उसके हमने छोटे छोटे इस तरह बॉल्स बना लेने, लीमू के साइज़ के हमने ये छोटे पेड़े बनाने। जितनी डो हमने तैयार की थी उस सब के मैं सारे पहले पेड़े बनाऊंगी। इसके बाद अब एक पेड़े को लेके उसे मैंने थोड़ा सा बेला, इसके बाद दूसरा पेड़ा लिया उसे भी इसी तरह थोड़ा सा बेलने के बाद मैं तकरीबन 4 इसी तरह पेड़े बना के छोटी रोटियां इनकी बना के एक साइड पे रखी। अब पहले जो छोटी रोटी बनाई थी उस पर पहले मैंने ऑयल लगाया, उसके ऊपर खुश्क आटा डाला, उसके बाद दूसरी रोटी पे भी इसी तरह ऑयल लगाया और उसके ऊपर भी खुश्क मैदा डाल के तो ऊपर वो रख दी। अब ये जो रोटी की बाहर वाली साइड है इस पर भी ऑयल लगा के इसके ऊपर भी खुश्क मैदा डाल के अब जो दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूंगी उसके ऊपर भी ऑयल इसी तरह लगा के और ऊपर मैदा डस्ट करके ये भी उल्टी करके इसी तरह ये रख देंगे। और इसके बाद फिर इसे ऊपर से इसी तरह ऑयल लगा के और ऊपर मैदा डस्ट करके मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पे भी, और जो एक रोटी और है उसके ऊपर भी हम ऑयल लगा के और उसके ऊपर भी मैदा डस्ट करके इन सब को इकट्ठा इस तरह कर देंगे और इन्हें इकट्ठे बेल लेंगे। अब इन चारों रोटियों को इकट्ठे बेलेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारी एक बहुत ही बारीक सी लेयर तैयार होगी। अकेले हम अगर एक पेड़े की इतनी बारीक बनाना चाहे लेयर तो वो नहीं बन सकती। अब इसे मैंने बड़ी सी रोटी बेल के तो इसे ये तवे पे डालूंगी। तकरीबन 1 मिनट तक इसे एक साइड से सेकने के बाद, ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं, बस इसका ऊपर से कलर चेंज हुआ तो मैंने इसे पलट दिया और अब दूसरी तरफ से पलट कर अब ये देखें ये थोड़ी थोड़ी फूल रही है रोटी। तो अब यहाँ से हमने इनकी लेयर्स इलादा कर लेनी है। ये जो 4 लेयर्स हमने बनाई थी ना, 4 पेड़े लेके, तो वो अब इनकी यहाँ पे ही तवे पे ही हमने गरम रोटी से ही इनकी लेयर्स इलादा कर लेनी है। ये पहली लेयर देखें और यहाँ पे बहुत आसानी से उतर जाएगी, ठंडी होने के बाद इसे उतारना मुश्किल हो जाता है।
ये एक लेयर इसे तय करके हमने रुमाल में लपेट के रख दिया, क्योंकि ये बहुत पतली है तो अगर हम रुमाल में लपेट के नहीं रखेंगे तो वो खुश्क हो जाएगी। ये दूसरी लेयर इसी तरह फौरन उतर गई और इसी तरह ये तीसरी लेयर उतारेंगे। दरअसल रोटी बहुत ज़्यादा गर्म है तवे पे ये अभी, तो वो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन यहाँ ही आसानी से उतरेगी। अगर हमने उतार के चूल्हे से उतार के इसे उतारने की कोशिश की तो वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आप रोटियाँ तय करके रुमाल में लपेट के रखते जाएं। ये मैंने रोटियाँ लपेट के रखी ही थी, अब ये इन्हें खोलेंगे। अब इनकी साइड्स हमने काट दी, एक साइड से काटा फिर दूसरी साइड से, बस ये दोनों साइड्स ही काटनी है। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 3 इंच चौड़ा बेशक स्केल की मदद से निशान लगा लें, 3 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा निशान लगाएं और उसे इस साइज में आप काट लें। मैंने तो बस इसी तरह ही, वो ज़रा प्रैक्टिस है तो इसी तरह ही काट लिया है। ये एक साइड पे अब रखा हमने मसाला, इसे इस साइड पे फोल्ड किया, अब इसे दूसरी साइड पे इस तरह लेके जाएंगे ये, और फिर इसे इधर इस तरफ मोड़ेंगे। अब ये जो बाकी बची है जगह, यहाँ पे मैंने आटे को इस तरह गीला करके एक लेई सी बना ली है, अब इससे हम ये समोसा जो है वो बंद कर देंगे। ये बस इसी तरह सारे समोसे हमने बंद कर लेने। समोसे हमारे सारे बन गए हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। पहले ऑयल अच्छा सा गरम किया मैंने और उसके बाद समोसे डाले। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनते हैं इस तरह, बहुत मज़ेदार समोसे बनते हैं। और बस इसी तरह ही हमने सारे समोसे फ्राई कर लेने। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।